रेयर की स्पेस, माशाल्लाह। ये तो एग्ज अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान अली और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुजुकी विटारा 2019 मॉडल का रिव्यू। पाकिस्तान में सुजुकी ने विटारा को 2019 में लॉन्च किया और आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यू सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सुजुकी का लोगो और साथ में क्रोम व्हील, और ये फ्रंट की शेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें फॉग लाइट्स दिए गए हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें बम्पर लाइट्स भी दी गई हैं। पार्किंग सेंसर आपको नज़र आ रहे होंगे, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं यहाँ पे इसके दोनों साइडों पे, और जीनोन हेडलैम्प दिए गए हैं और साथ में डिम लाइट्स इसकी हेलोजन लैम्प दिए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं इसकी साइड की शेप, पैनोरामिक सनरूफ भी दी गई है जो कि अच्छा ऑप्शन है। ये साइड में आप इसके टायर्स जो दिए गए हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, और फ्रंट पर इसकी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दी गई हैं और रेयर पर सिंपल डिस्क ब्रेक दी गई हैं। फ्रंट की सस्पेंशन मैकपर्सन स्ट्रट की दी गई है और रेयर पर टॉर्शन बीम की सस्पेंशन दी गई है। इस साइड की शेप आप देख रहे हैं, इसकी फ्रंट की शेप काफ़ी अच्छी है लेकिन रेयर की शेप मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब कि लाइट्स पुराने ज़माने की लगती हैं इसकी कुछ। और इसमें पार्किंग सेंसर रेयर पर भी दिए गए हैं, ये आपको शायद नज़र आ रहे हैं। और ये पैजिंग दी गई है विटारा की ऑल ग्रिप, और यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग दी गई है, रेयर कैमरा और रेयर पर वाइपर भी दिया गया है और ब्रेक लेंथ भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पर आपको 47 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। चलते हैं बूट स्पेस देखते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे पहले बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे इसके बटन है, शायद आपको नज़र आ जाए यहाँ पे ये बटन है, तो उसको प्रेस करेंगे तो ये बूट ओपन हो जाएगी। शायद मैंने लॉक कर दिया, अब ये ओपन हो जाएगी। तो बूट स्पेस अच्छी है, इसमें साइड में भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है, कोई शायद टूल वगैरह रखने के लिए, कोई ऐसी चीज़ रखने के लिए। लाइट सिर्फ यहाँ पे दी गई है, और उसके अलावा आप इसका जो डिवाइडर है डिवाइडर को भी हटा सकते हैं और सीट्स को भी इसको फोल्ड करके इसकी बूट स्पेस को और बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये है सुजुकी विटारा का रिमोट, सिंपल सा रिमोट है और यहाँ से आप इसको प्रेस करके ये की भी फायर निकाल सकते हैं। अब मैं इसको डाल रहा हूँ पॉकेट में, और ये आप नोटिस करेंगे कि इसमें सेंसर नहीं दिया गया है, ना इसके मिरर्स ऑटो फोल्ड होते हैं। तो यहाँ से प्रेस करेंगे आप बटन तो सिर्फ ड्राइविंग साइड इसका डोर अनलॉक होगा, इसका ये अनलॉक नहीं होगा। सबसे पहले आपको दिखने मिलेंगे यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल, लो कंट्रोल के कंट्रोल, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लाइट्स के कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, डाउनहिल मोड का बटन और पार्किंग सेंसर का बटन, यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन। तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं सुजुकी विटारा का मल्टीमीडिया 3 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील, और इसमें आप देख सकते हैं कि पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, और राइट साइड पर इसके इंडिकेटर्स के कंट्रोल, लेफ्ट साइड पे वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। और ये मीटर है इसका, एनालॉग मीटर दिया गया है, नीडल्स दी गई हैं फ्यूल के लिए भी, और हीट की भी सुई दी गई है जो कि सिटी में नहीं आती। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एसी वेंट्स, और बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है लेकिन वैसे अच्छी है, और यहाँ पर एनालॉग क्लॉक दिया गया है, और ये सारा आप देख सकते हैं। क्रोम हैंडल्स दिए गए हैं यहाँ पर, बोतल होल्डर और कप होल्डर, यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया गया है, थोड़ी सी स्पेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं, लाइट भी दी गई है, अच्छी बात है। और ये अच्छा, इसमें पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, और यहाँ पर आपकी ऐनक रखने के लिए, माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी विटारा की। और यहाँ पे मैन की मिरर दिया गया है, लाइट दी गई है, उसके अलावा इस ये ऑटो डिम बैक व्यू मिरर दिया गया है इसमें। बिस्मिल्ला पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी स्टार्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर इसके क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिटर दिया गया है। यहाँ पर इसके वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए गए हैं और मोड अप दिया गया है, ये यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। और उसके अलावा ये जो है इसका काफ़ी बड़ा पैनल दिया गया है, हैज़र्ड वार्निंग बटन, एसडी कार्ड, और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। ये मैनुअल नॉब्स दी गई हैं इसकी, ये फ़ैन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कुछ सिंपल सा वो पावर आउटलेट दिया गया है। ये इसका गियर बॉक्स है 6 स्पीड, लेकिन इसकी शेप मुझे नहीं पसंद आई, इसका कुछ सिंपल सा बना दिया प्लास्टिक का। और ये मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है, यहाँ पर ये मोड सेलेक्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स, अगर यहाँ पे करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो स्नो, और इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक ड्राइव करना चाहते हैं तो पुश ऑटो करेंगे तो वो वापस ऑटो पे आ जाएगी। उसके अलावा जो सबसे बुरी बात मुझे लगी है, यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं दिया गया, और लेकिन यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। तो इतनी बड़ी आप गाड़ी ले रहे हैं 65 लाख की, लेकिन आपको आर्म रेस्ट नहीं मिल रहा, और आपको इसमें फ्रंट कैमरा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं सुजुकी विटारा की रेयर की स्पेस चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल्स, लॉक एंड लॉक और पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे। ये बड़ा मसला, इसकी रेयर की स्पेस बहुत ही कम है, यानी कि ये सीट मैंने बिल्कुल पीछे की हुई है, और मैं बड़ा फंस के बैठा हूँ। मेरे जो आप नीज़ देख सकते हैं ये अंदर गए हुए हैं सीट के, और रेयर पर एसी भी नहीं दिया गया। ये आप स्पेस देख सकते हैं बहुत ही कम है, और 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें लाइट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि साइड में इंडिविजुअली ये देखें, यहाँ भी दी गई है। ये आप देख रहे हैं सुजुकी विटारा का 1600 सीसी 4 सिलेंडर इंजन विद 156 Nm टॉर्क, और इसका इंजन 115 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एट 6000 RPM। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने पीछे कालीन वगैरह लगा दी मैट, लेकिन उसकी आप कंडीशन देख सकते हैं कि क्या हुई पड़ी है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये सुजुकी की प्रोडक्ट है, मतलब कि 65 लाख रुपए दे के भी आपको ये मिल रहा है। अगर हम सुजुकी विटारा के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसके प्रोज में आ जाता है कि इसमें 7 एयरबैग्स दिए गए हैं, उसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा इसमें मोड्स भी काफ़ी दिए गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, स्नो मोड दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का, क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड लिमिटर। फीचर वाइज काफ़ी अच्छी कार है। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें आ जाता है कि इसके जो डोर्स एंड बूट है तो उसको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है बंद करने में, आसानी से बंद नहीं हो जाती है। उसके अलावा इसकी रेयर की स्पेस बहुत कम दी गई है, और उसके अलावा इसमें जो मीटर दिया गया है वो एनालॉग दिया गया है, और जो गेयर बॉक्स है उसकी शेप अच्छी नहीं है, प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं दी गई, मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। तो ये था आज का रिव्यू, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।